हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। तो जी, आज हमने ना इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि इंद्रलोक में जो है वो थर्सडे मार्केट लगती है और वहाँ पर सामान जो है बड़ा रीजनेबल मिलता है। तो हमारा जी दो बार पोपट हो गया। पहले तो हम पिछले थर्सडे को चले गए। हमने सोचा जैसे सारी वीकली मार्केट शाम को लगती है तो हम शाम को चले गए। गए तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वहाँ लोगों ने बताया कि ये मार्केट तो सुबह 8 बजे से लग जाती है और शाम को 5 बजे तक रहती है। तो हम आज फिर चले गए, मैं और मोनिका और साथ में बड़ी वाली सिस्टर, हम तीनों चले गए। आज फिर जो हमारा पोपट हो गया। हम बताएं आपको, इतनी भीड़ थी। कितनी भीड़ थी बेटा? बहुत भीड़ थी। जो चुप हो, बिल्लू आ गया। बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़। मैंने कहा जोर से बोल, कह रही है जय माता की। हाँ, तो पता क्या हुआ, इतनी भीड़ थी। मैंने सोचा था, घर से सोच के गई थी कि वहां से शूट करके लाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी मार्केट। लेकिन भैया इतनी भीड़ थी कि वहां तिल रखने की जगह नहीं थी। जैसे तैसे हम घुस हो गए मार्केट में, लेकिन फोन निकालने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा भाई अगर कोई छीन के भीड़ में घुस गया पता भी नहीं चलेगा कौन ले गया फोन। तो मैंने कहा आपको घर जाके ही बता दूंगी कि क्या मार्केट थी, कैसी मार्केट थी। तो अपने को तो कुछ जमा नहीं ऐसा है ना, दो चार चीज़ें कुछ लेके आ गए। बस ये है कि वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे बेकरी बहुत थी। वहाँ से हम बड़ा अच्छा ना स्वीट बन लेके आए। मैं दिखाती हूँ आपको कितना बड़ा था वो। यहाँ मिलते तो हैं लेकिन छोटे छोटे मिलते हैं, रमजान नहीं मिलते खाली। हाँ, आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है ना, तो वो भैया बेकरी वाले भैया ने भी हमें बताया कि जी ये सिर्फ रमजान के महीने में ही लेके आते हैं। ये देखिए साइज बन का, इतना बड़ा बन लेके आए हम स्वीट बन। बहुत टेस्टी है ये, मैंने तो नहीं खाया, मोनिका ने बताया मम्मा बहुत टेस्टी है। और हम वहाँ से लेके आए केक रस्क है ना, और ये फ्रूट वाले खड़े हुए थे, फ्रूट ले आए, स्ट्रॉबेरी ले आए, एप्पल ले आए। ऐसा मार्केट से हम ऐसा कुछ नहीं खरीद के लाए, 4 टॉवर्स ले आए और कुछ नहीं लेके आए, बस देख देख के आ गए। मुझे तो वैसे भी भीड़ से ना बहुत घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस जैसे तैसे हम घर वापस आ गए। तो अब घर आके हम दोनों थक गए थे, सो गए, अब उठे हैं। तो मोनिका ने कहा मम्मी क्या है, चलो नूडल्स बना लेती हूँ। अब ये जाके नूडल्स लेके आइए और अब ये बना रही है। ये ना नूडल्स बहुत अच्छी बनाती है। ये देखिए इसमें सब्जियाँ सारी फ्राई कर रही हैं और वो नूडल्स बॉइल करके रख रखती हैं। बस अभी वो सब्जियाँ हो गई ना, तो डाला विनेगर और सोया सॉस और मैंने डाल दी उसमें बॉइल की हुई नूडल्स। और जी अभी हो जाएगी तैयार और हम करेंगे डिनर। और मैं आपको दिखाऊँ, ये ना देखिए ये साबुत प्याज है छोटी वाली, ये हमने इंटेंशनली तो नहीं खरीदी थी, लेकिन वो ट्रैक्टर पे लेके खड़े होते हैं ना भैया बहुत सारी प्याज, तो वो अपने रेट से मार्केट के रेट से सस्ती दे रहे हैं, तो वो छांटते नहीं देते, वो ऐसे ही भर के दे देते हैं। उसमें बेबी अनियन निकले बहुत सारे और थोड़े से मैंने बेबी पोटैटो ले रखे थे, तो मैंने कहा इनको मिला के ना सब्जी बनाऊंगी। तो ये मैंने बेबी लिए लहसुन दिया है, अदरक ली है, हरी मिर्ची ली है, प्याज साबुत छील ली है और लिए हैं टमाटर, आलू अभी बॉईल हो रहे हैं, फिर बॉईल हो जाएंगे तो उन्हें शेयर। और जी मोनिका लेकर आ गई गरम गरम नूडल्स, तो हम खा रहे हैं नूडल्स। आज यही डिनर है हमारा। सब्जी बनाऊंगी खाने के बाद, क्योंकि ठंडी होने के बाद ना अच्छी नहीं लगती है। बहुत बढ़िया बनी है, अच्छी बनी बेटा, ये बहुत टेस्टी बनाती है नूडल्स। वैसे तो खाना बहुत ही अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी बनाती है, पर कोई कोई चीज़ तो बहुत अच्छी बनाती है। तो वैसे नूडल्स एक है, तो खाने के बाद बनाऊंगी मैं वो आलू प्याज की, साबुत वाले आलू साबुत प्याज की सब्जी, फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो सब्जी की हो गई तैयारी पूरी। प्याज मैंने पहले छील लिए थे, अभी आलू भी बॉयल हो गए और ये भी मैंने छील लिए हैं, धनिया काट के रखा है, 4-5 टमाटर लिए हैं, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्ची है और ये थोड़े से जी धनिया के डंठल हैं, जो धनिया काटा ना उसके डंठल मैं इसके साथ पीस लूँगी, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है धनिया पीस लो तो। तो ये तेल हो गया है गरम और अब मैं ये ना आलू और प्याज इसके अंदर डाल के ना खूब अच्छे से इनको लाल लाल करके ना, सॉरी
मैं एक हाथ से काम करती हूँ, एक हाथ से कैमरा संभालती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाता है, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान रख दिया करो। तो ये आलू और ये मैं ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी अलग पलट के अच्छी तरह ब्राउन होने तक। और ये सारी चीज़ें ना मैं मिक्सी में डाल के खूब फाइन इनको, आलू फ्राई हो रहे हैं ना, हम निकाल के रख लेते हैं मसाले। तो ये चम्मच मैं डाल रही हूँ किचन किंग वाला मसाला, ठीक है जी। थोड़ी सी मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च थोड़ी डालूंगी क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। और जी ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक, ठीक है। थोड़े से मैंने लिए खड़े मसाले, ये मैंने ले लिए थोड़ी दालचीनी, लौंग, एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा जीरा, हींग में अलग से डाल दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे आलू और प्याज देखिए सब ना एकदम गोल्डन से फ्राई हो गए, ये देखिए। बस इनको मैं इनको ना थाली में अलग निकाल लेती हूँ, फिर इसी कढ़ाई में मसाला बना लूँगी। और ये मेरा टमाटर वगैरह भी पीस के रख लिए हैं, ये मैंने तेल से बाहर निकाल लिए हैं। अब ये सूखे वाले जो मसाले हैं ना मेरे, ये मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ कि इसमें, आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी अगर, तो मैं ऐसे सूखे मसालों में थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। इससे क्या है कि धांस नहीं उड़ती है, वरना अगर आप सूखे मसाले तेल में डालो ना बड़ी तेज़ धांस उड़ती है। तो ये हो गया, तेल हमारा गर्म ही है, तो इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ी सी हींग और ये खड़े वाले मसाले। ये थोड़े से हो जाएगा ना, ये देखिए। ये हो गए हैं फ्राई, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये मसाले जो मैंने पानी डाल के रखे हैं, और इसको अच्छे तरीके से पका लें। ये मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, अब हम इसके अंदर जो टमाटर और ये पीस के रखा था ना हमने, ये डाल, और इसको भी खूब बढ़िया से पका लेंगे। इतनी मस्त खुशबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊं। और इसके अंदर ही मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका कि फ्लेवर जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और ये जो मैंने हरा धनिया काट के रखा था ना, ये भी मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी क्योंकि रजत जो है वो कच्चा धनिया ना पसंद नहीं करता, तो मैं इसको सब्जी के साथ पका लेती हूँ तो भी बराबर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हरा धनिया और मेथी भी मैंने इसके अंदर डाल दी, अब इन सब चीज़ों को हम खूब बढ़िया से पका लेंगे। तो ये टमाटर जो है वो हमारा मसाले के साथ में खूब अच्छे तरीके से पक चुका है, और अब वो जो मिक्सी में मैंने टमाटर पीसा था ना उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसमें डाल दूँगी ये, और अब इसके अंदर छोड़ देंगे हम ये जो आलू और प्याज हमने फ्राई करके रखे हैं ये, क्योंकि इसमें गलाने के लिए तो कुछ है नहीं, आलू बॉयल्ड हैं पहले से और प्याज भी जो हमने फ्राई किए तो काफ़ी टेंडर हो चुके हैं। अब बस इसको इसके साथ थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और बस रेडी हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन फिर भी सुबह सुबह करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमने रात को ही बना दी है। अभी तो मौसम ठीक है तो ये रात की बनी हुई सब्जी दी जा सकती है टिफ़िन में, तो रजत सुबह ये टिफ़िन में ले जाएगा। रजत को ना ये ऐसे साबुत वाले आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसके मसाले में मैंने प्याज अलग से नहीं डाली क्योंकि प्याज ऑलरेडी मैं बहुत सारी डाल चुकी हूँ, है ना। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के पका लेंगे और हो जाएंगे जी हमारे ये आलू रेडी। ये लीजिए जी, हो गए हमारे आलू रेडी।
थोड़ा मसाला मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें दो चुटकी ना चीनी डाली है और डाला साथ में अमचूर। बस अब बिल्कुल रेडी हो गया। रजत के निकाल के बाकी में मैं ऊपर से हरा धनिया डाल लूँगी। पता सब्जी की शक्ल देख के ना मेरे से रुका नहीं जा रहा था। मैंने बोला टेस्ट करके आपको बता तो दूँ कम से कम, क्योंकि कल जब हम खाएंगे तो दोबारा तो वीडियो बनेगी नहीं। तो मैंने कहा टेस्ट करना तो ज़रूर बनता है भाई, फ्रेश चीज़ की बात ही और होती है। वैसे मैं सब्जी को फ्रिज में नहीं रखूँगी क्योंकि मौसम अभी ठंडा ही है। एक बार फ्रिज में रख दो ना तो चीज़ का टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो ये लिया जी मैंने सब्जी का एक चम्मच। रेखा सिंह तेरा जवाब नहीं, अपनी तारीफ खुद ही कर लो। तो जी एंजॉय कीजिए वीडियो और मैं खाती हूँ सब्जी। तो जी इंदर लोग की थर्सडे मार्केट में तो हमें ज़्यादा मज़ा आया नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमने सोचा चलो एक सब्जी ही अच्छे से बना देते हैं, बच्चा खुश हो जाएगा। तो बन गई मेरी आलू की सब्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक दे दीजिएगा और कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इस बार वीकेंड पे हम ना आलू वाले नान बनाने वाले हैं छोलों के साथ, तो हो सकता है अगली वीडियो में नान छोले की लेके आऊँ। इस बार मैं नान का आटा लगाना बताऊँगी। कमेंट में मुझसे पूछा था कि नान का आटा लगाना बता दीजिए, तो इस बार मैं नान बनाऊँगी ना तो उसका आटा जो लगाऊँगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय बाय।